हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन द हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। मैं आईपीएससी नेम नहीं कर रहा, तो क्योंकि हमें पूछा हुआ है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन्स 1, 3 एंड 5 आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो कार्बन नंबर 1, 3 और 5 हमें फाइंड करना है। ये 1 है, ये डिनोट नहीं, ये 1, 3 और 5, ये 6 नीचे होगा और ये 6 गलती से ऊपर हो गया। मैं इसे ठीक है CH3 टर्मिनल पे। सबसे पहला चीज जो मैं यहाँ पर ड्रॉ करना लिखना चाहूंगा वो होगा आपका की कंसेप्ट। की कंसेप्ट जो होगा वो लिख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रियलाइजेशन ऑफ अ कार्बन एटम। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करना है, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें पता है मतलब ट्रिक क्या होता है। सबसे पहला चीज जो हमें, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर अगर ये हम काउंट करेंगे ऐड करके जो वैल्यू आता है, सॉरी इसको मैं एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं ताकि थोड़ा क्लियरली हम लिख पाएंगे। सबसे तो पहला चीज, पहले रो में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, इसको हमें काउंट करना होगा। फिर जो वैल्यू आएगा वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस काउंट लोन पेयर का जो वैल्यू आ गया उसके बराबर हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, सबसे पहला मैं लिख देता हूं, अगर ये 2 आए तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। इस अब ये एक एक जैसे बढ़ाते जाएंगे, अगर ये 3 आएगा तो ये sp2, अगर ये ये अगर 4 आ जाएगा तो ये sp3, सिमिलरली sp3d यहाँ पर 5 हो गया, लास्ट 6 sp3d2। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। अब पहले पेज में हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। मैं इसका ब्रांच्ड वर्जन ड्रॉ करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। यहाँ पर ये हो गया CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH CH। एक काम करते हैं, ये थोड़ा H D C H, ठीक है, ये हो गया। तो 1 से लास्ट तक ड्रॉ करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। और 1, 3, 5 में काउंट कर लेते हैं, या सब में काउंट कर लेते हैं, छोड़ दीजिए। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर आप काउंट करेंगे, ये आएगा 2, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, तो इस हिसाब से इसको भी काउंट करेंगे, 2 का भी, ये भी 2 आ जाएगा, तो ये दोनों ही आपका क्या आ जाएगा sp। और यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जो 3 में है वो होगा आपका 4, तो ये क्या आ जाएगा sp3 sp3। और इसमें अगर यहाँ पर एक एच भी है, एच बॉन्ड भी है, मैं उसे डिनोट नहीं कर रहा हूँ, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका sp2। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो फोर्थ नंबर कार्बन पे आपका 3 आ जाएगा और फिफ्थ नंबर कार्बन पे भी 3 आ जाएगा, तो ये भी आपका sp2 होगा। और 6 में आपका 1, 2, 3 जब sp3 हो जाएगा, 4 है क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। 1, 3, 5 sp sp3 sp2 sp sp3 sp2। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।